हेलो एवरीवन, आप लोगों को अपनी पाल कुकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं एक ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। और ये ब्रेड का गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसने बना के देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम आधा लीटर गाय का दूध डालें। आप भैंस का भी दूध ले लें, दूध में बॉयल आ जाने दें। फिर इसमें ये ब्रेड को तोड़ तोड़ के हम डाल लेंगे। इसका किनारा आपने देखा मैंने पहले ही निकाल दिया था। ऐसे इसको तोड़ तोड़ आप साबुत भी डाल सकते हैं और इसको चला चला के पकाएंगे। ऐसे बहुत जल्दी ये घुल जाता है, आप कैसे भी डालेंगे या घुल जाएगा ये। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको ऐसे कलछी की मदद से ऐसे घुमा घुमा के पकाते रहेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, खुद ही ये सूखता जाता है सूखता जाता है। आप ऐसे चलाने का पूरा ध्यान रखें ताकि कढ़ाई में लगे नहीं। फिर ऐसे इसको कर लेंगे। देखिए ये करने में मतलब 10-15 मिनट लगते हैं, ऐसे वीडियो में हम जल्दी दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे डो फॉर्म में आ गया, हो गया। थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देंगे, एक परात में निकालेंगे और रख देंगे। देखिए इसके बाद एक कटोरी चीनी रखेंगे और उसमें एक कटोरी ही पानी डालेंगे। इसका मेजर करना बहुत ही आसान है, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी। इसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे। फिर इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको मल मल के गूथेंगे। ये थोड़ा अभी गीली लग रही है लेकिन थोड़ा सा गूथने के बाद ये, और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और मीठा सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है वो भी 1 पिंच डालेंगे नाप से। चलिए देखिए हमारी चाशनी भी इधर तैयार हो गई है। और चाशनी भी हमारी मतलब इसको चिपचिपी चाशनी थोड़ी सी बनाना है, तार वगैरह बनाना नहीं है। बस ऐसे हो गया दोस्तों। अगर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। और ऐसे छोटी छोटी लोई इसका तोड़ लेंगे, छोटी छोटी लोई इसका तोड़ते जाएंगे। एक साइज का तोड़ लेंगे, बहुत बढ़िया और सस्ते में बन जाती है। ऐसे तो मार्केट से भी हम ला सकते हैं लेकिन कभी कभी घर में भी बनाना अच्छा लगता है। आप गोल चाहे या ऐसे चाहे, लेकिन देखिए इसमें क्रेक आ गया है, लेकिन फिर इसको ठीक करेंगे और अच्छे से, क्रेक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इधर मैं घी रखी हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी रख सकते हो। धीमी आंच पे इसको सुनहरा होने तक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। फिर कर लेंगे धीमी धीमी आंच पर इसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे फ्राई कर लेंगे और गरम गरम चाशनी में इसको डालते जाएंगे। गरम गरम चाशनी में इसको देखिए ऐसे डाल लेंगे। और देखिए आधे ही घंटे बाद कितने बड़े बड़े साइज के, बहुत बढ़िया बनते हैं। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना।